जगन्नाथ भगवान की स्थापना करने वाले जो राजा थे इंद्रद्युम्न उनका नाम था। उनके कोई संतान नहीं थी और वो जगन्नाथ भगवान से बहुत प्रेम करते थे। एक बार जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए और बोले राजा से रानी से, गुंडीचा रानी थी, इंद्रद्युम्न राजा थे, बोले तुम्हें क्या चाहिए। भगवान को पता था कि इनकी संतान नहीं है, तो भगवान ने कहा क्या मैं पुत्र दे दूं आपको, आपके पुत्र नहीं है। तब गुंडीचा रोने लगी और कहने लगी प्रभु आप ये बताएं, आपको किसने कहा कि संतान नहीं है मेरी, हमारे तीन संतान है। अच्छा, हमारे तीन संतान है। भगवान ने कहा आपकी संतान है और हमें पता ही नहीं क्या नाम है उनका। तब गुंडीचा माँ ने कहा मेरे बड़े बेटे का नाम है बलभद्र, छोटे बेटे का नाम है जगन्नाथ और बेटी का नाम सुभद्रा है, तुम तीनों हमारे ही तो पुत्र हो। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। लोग, जमाने के लोग, दुनिया के लोग सांसारिक पुत्र के लिए रोते हैं, पर ये तो कृष्ण को अपना मान बैठे हैं, भगवान को अपना मान बैठे हैं। अरे बेटा बेटी से गति नहीं है, गति चाहते हो तो भगवत भक्ति करो। मीराबाई के भी कोई संतान नहीं थी, थी तो नाम बताओ, क्या बेटा था मीरा के? फिर गुरु गोविंद साहब के जब दो बेटे दीवार में चुनवा दिए, तब उनकी पत्नी, गुरु गोविंद साहब की पत्नी ने कहा देखो तो हमारी दोनों बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिए। रोने लगी वो माँ। तब गुरु गोविंद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा पगली रोती क्यों है, अरे मैं माँ हूं, मेरे दो बच्चे जिंदा चुनवा दिए, मैं रोऊं ना। तब गुरु गोविंद साहब ने कहा था पगली तेरे दो बेटे यदि दीवार में जिंदा चुनाए तो क्या हुआ, ये देख जितने संसार में तुझे बच्चे दिख रहे हैं सब तेरे ही तो हैं, सब में अपने का भाव क्यों नहीं रख लेती, सब तेरे ही है। ऐसी दृष्टि कोई आम व्यक्ति की तो नहीं हो सकती ना। सब में अपना ही पुत्र मानो, सब मेरे ही तो हैं। कोई, अरे आज के जमाने में तो पराया भी काम आ जाता है, कई बार देखने में तो ये आता अपने काम नहीं आते है ना। इसलिए आप जिसे देखो पुत्र की दृष्टि से देखो, बेटी के नजरिए से देखो, बस सब आपका ही तो है, ये पूरा संसार आपका है, वसुधैव कुटुंबकम पूरा परिवार है हमारा, हमारा ही बच्चा हो बेटा हो जाए तो अच्छा है। अच्छा, कुछ लोगों के बेटे नहीं होते, वो लोग रोते हैं महाराज जी हमारे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। आपके बेटा इसलिए नहीं है, इसका कारण है। क्या कारण है भाई? पिता का ऋण हमेशा पुत्र चुकाता है। बैंक से पिता ने 10 लाख रुपए यदि लोन लिए हैं, कर्जा लिया है, तो पिता ना चुकाएगा तो कौन चुकाएगा? बैंक किससे मांगेगी? बेटों से।